दोस्तों इस वीडियो में आपको आज मैं बताने वाली हूँ आप कैसे अपना स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग फेयर बना सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं तीनों इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। इस फेस मास्क कह सकते हैं या फिर फेस पैक कर सकते हैं दोस्तों। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छी से हमारी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग करने में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल एक रेमेडी है दोस्तों। मैं इसको हफ्ते में 3 या 4 बार यूज करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा एक फर्क दिखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसको बनाने और लगाने में। आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा एक फायदा मिला है यही कि हमारी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग को हटाने में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रेमेडी है दोस्तों। सन टैन सन बर्न, हमारी स्किन के अंदर जो भी धूल मिट्टियां वगैरह जम करके हमारी स्किन में एक्ने प्रॉब्लम्स होता है उसको भी दूर हटाने में बहुत ही अच्छा एक हेल्पफुल रेमेडी है। एक नहीं दोस्तों, तीनों हेल्पफुल रेमेडी है। हाँ मैं दोस्तों आपको सबसे पहले बताऊंगी मसूर दाल। दोस्तों मैं मसूर दाल यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ और एक ऐड करूंगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेसन। दोस्तों बेसन जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत सारी गुणों से भरपूर होता है दोस्तों। मैं बेसन के बारे में एक वीडियो पहले बनाया, आप जाकर उसको देख सकते हैं दोस्तों, उससे आपको कहीं ज्यादा हेल्प मिल सकता है। और एक रेमेडी ऐड करूंगी दोस्तों, मैं लेमन ऐड करूंगी क्योंकि लेमन हमारी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग बनाने बहुत अच्छा हेल्पफुल एक रेमेडी है। ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको एक पेस्ट बनाना है, तो चलिए दोस्तों कैसे पेस्ट बनाना है आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको एक खाली कटोरी लेना है, उसके बाद एक चम्मच यहाँ पर मैं बेसन ले लिया आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक चम्मच आपको मसूर दाल ऐड करना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको एक चम्मच लेमन ऐड करना। दोस्तों मैं एक चम्मच यहाँ पर लेमन ऐड कर रही हूँ, 2 लग गया एक चम्मच बनाने के लिए, तो आप दोनों ही यूज करें। और अच्छे से मिक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा रोज वाटर लेना है। तो मैं यहाँ पर आयुर का रोज वाटर यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इसके बारे में जानना है तो जरूर आई बटन में क्लिक करके जरूर देख लीजिए, मेरा फेवरेट रोज वाटर है। मैं फ्रेंड्स अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना ली, बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट। दोस्तों इस पेस्ट को आप घर में बनाना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा मात्रा की फायदे से भरपूर होता है दोस्तों। इस पेस्ट को आप जरूर हफ्ते में पार्ट डे यूज कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो जरूर 3 बार या 4 बार यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये जितनी बार आप अप्लाई करेंगे तो उतना ही अच्छा एक फायदा आपको मिलेगा, दिखने का मिलेगा और आपको फर्क दिखेगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा एक पेस्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों आप इसको मसूर दाल और बेसन को दोनों को ऐड करके अभी तक आप यूज नहीं की, हाँ हम सभी यूज करते हैं कि मसूर दाल अलग सा एक पेस्ट बनाते हैं या फिर बेसन को अलग से एक पेस्ट बना के हमारी स्किन में अप्लाई करते हैं। मैं इन दोनों को अप्लाई किया और साथ ही साथ जो लेमन है हमारी स्किन को ज्यादा से ज्यादा लाइटनिंग ब्राइटनिंग करने में बहुत ही अच्छा एक हेल्पफुल रेमेडी है। हम सभी जानते हैं दोस्तों विटामिन सी से भरपूर होता है ये लेमन। और दोस्तों जो मसूर दाल है बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से दूर हटाने की मदद करता है, और बेसन भी हमारी स्किन को बहुत सारा बीमारी जैसे कि एक्ने प्रॉब्लम्स, हमारी स्किन की पोर्स के अंदर धूल मिट्टियां जम करके एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसको उस धूल मिट्टियों को बाहर निकालने में बहुत ही अच्छा एक हेल्पफुल रेमेडी है। यानी कि ओपन पोर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक हेल्पफुल रेमेडी है बेसन। तो दोस्तों आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अपने मुझे जरूर आपको बताना है आपके लिए ये कितना अच्छा हेल्पफुल रहा है। फ्रेंड्स आपको पूरी स्किन में ऐसे करके अप्लाई कर देना है, उसके बाद 20 मिनट रख के थोड़ा सा वाटर लेना है, उसको अच्छे से ऐसे स्किन में ऐसे आपको रफ करना है, मसाज की तरह करना है ताकि स्किन में जो भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन वगैरह जम करके आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाता है और भी बहुत सारा स्किन एजिंग हो जाता है उसको दूर हटाने में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। ऐसे करने से आपको स्क्रब की तरह एक काम करेगा। तो दोस्तों धूल मिट्टी नहीं होगा तो ओपन पोर्स करने में ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रेमेडी है। ओपन पोर्स हो जाएगी तो आपकी स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं, तो जरूर आपको इसको ट्राई करना चाहिए दोस्तों। हफ्ते में जरूर 2 बार यूज करें मैं आपको बोलूंगी, आपके पास टाइम नहीं है तो जरूर 2 बार यूज करें, आपको ये फर्क दिखेगा और जरूर
कितना अच्छा आपके लिए ये फेस मास्क फेस पैक कह सकते हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा हेल्पफुल रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो मुझे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छा अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊं। स्किन रिलेटेड हेयर रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना।